के अंदर घुसते नहीं, इसकी मैं सेफ्टी के लिए बस में खड़ा रहा। अच्छा मैं ये लाया हूँ सिर्फ 10 रुपये में, इससे पहले महंगाई आपको पता कि चलिए। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, उम्मीद है आपके बर्ड्स भी ठीक होंगे। तो ब्रीडिंग सीजन शुरू है, हर कोई बस अब अंडे बच्चों के इंतज़ार में है कि कब अल्लाह खैर करे ब्रीडिंग शुरू हुई। ठीक है, तो आज मैं आया था, चले मैं कहा मैं आपको बताऊं कि मैं आज अपने बर्ड्स को डालने जा रहा हूँ लूसन। ठीक है, जो मैं लूसन लेकर आया हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये क्योंकि ना मौसम आ गया, बेहतर हो गया, तो आज से इंशाल्लाह मैंने कह लो कि लूसन देना शुरू कर दिया, बल्कि हफ्ते में अब 2-3 मरतबा इन्हें लाजमी लूसन दूँगा। ओके, इसके बड़े फ़ायदे हैं। ठीक है ना, इससे कि यह है कि अंडों की तादाद बढ़ती है, और यह है कि ब्रीडिंग से जल्दी माइल होते हैं, ब्रीडिंग की तरफ जल्दी आते हैं। ठीक है ना, तो मैं लूसन डालने जा रहा था, तो मैं तो अपने दोस्तों को दिखाएँ और बताएँ, बाकी यह है कि अल्लाह खैर करे और मैं डालने जाता हूँ, मैं आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह, आप देखिएगा। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जरा अपने ना पानी इसका अलग कर लूँ, पानी मैंने डाला हुआ था तो वो पानी निकाल लेता हूँ। चलते हैं, ये ताला लगा हुआ, ताला खोलते हैं इसका, क्योंकि ताला यार मैं इसीलिए लगाता हूँ क्योंकि ना बच्चे इधर आते हैं ऊपर पतंग वगैरह उड़ाने ना मेरे जो है, तो वो फिर ना ये है कि उसके अंदर घुसते नहीं, इसलिए मैं सेफ्टी के लिए ताला लगा देता हूँ। ठीक है, अच्छा यार मैं कुछ थोड़ी चेंजिंग लाया था, ये थोड़ी सी मैंने ये जो है ना जो पेड़ मैंने लगाए हुए थे सिंगल सिंगल, तो वो मैंने निकाल के ना इन पे कलोनी बना दी इनकी। ठीक है ना, वो पेड़ बाय पेड़ ना मैं थोड़ा सा टाइम लगता था इन्हें ना, इधर मैंने डाला हुआ था इन्हें केज बाय केज ना पेड़ बाय पेड़ लगाया हुआ था, तो इसलिए मैंने निकाल दिया, तो इसकी कलोनी मैंने गुना दी कि चलो इसमें ही दाना डालूंगा इन्हें, इनका काम इनमें तमाम हो जाए, क्योंकि ब्रीडर अंडर साइज़ के पेड़ हैं सारे, ब्रीडर पेड़ 6 पेड़। ठीक है, तो ये पेड़ है, तो बाकी यह है कि इसके अंदर एक ये होगो का पेड़ लगाया हुआ है, एक होगो का पेड़ आपको बताया था मैंने सेल कर दिया, 3 पेड़ थे ना 2 पेड़ सेल कर दिए, अब ये खाली है और ये खाली है, एक पेड़ है और एक ये पेड़ है, बाकी नीचे आपको पता जावा है। ठीक है, तो इसका पानी ये देते हैं, इनका भी पानी निकाल देते हैं, ये इसका भी पानी निकाल दिया, इसका भी पानी निकाल दिया, ठीक हो गया, ये बड़ा रह गया, इसका भी पानी, अब ये जावा का पानी निकालना, ठीक है, बस इतना मुश्किल होता है कि हाथ से कैमरा पकड़ रहा हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, मतलब कि पानी चेंज कर रहा हूँ इसका। ठीक है, तो अब आएगी फिंच, फिंच की भी पहली ब्रीड आ गया, कुछ बच्चे फिर रहे हैं इसके अंदर 10-12 बच्चे। ठीक है, तो वो मैं वीडियो नहीं बना सका बच्चों की, तो अभी अब दूसरा क्लच है अल्लाह खैर करे, क्योंकि पहले क्लच में तो कम से कम 15 बच्चे निकले थे, जिसमें से 1-2 एक्सपायर हो गए, मर गए, बाकी मैंने गिने थे परसों बच्चे, तो कम से कम ये थे 10-12 बच्चे थे। ठीक है ना, जो कि अब सल भी हो गए, खा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें एक वो फिर रहा है पाइड के अंदर, ठीक हो गया, और इसके नीचे इधर भी होंगे बच्चे इस साइड पर, बताता हूँ अभी, ये देखें वो देखें, पर हाल चले इसका मैं अब आपको इसका भी पानी डालना है, ठीक हो गया, ठीक, तो अब लूसन डालते हैं इसे, ये आ गया जी लूसन, अब जी अल्लाह खैर करे ये लूसन मैंने इंशाल्लाह इन्हें देना है हफ्ते में 2-3 मरतबा लाजमी, क्योंकि अच्छा मैं ये लाया हूँ सिर्फ 10 रुपये में, इससे पहले महंगाई आपको पता कितनी होगी है। ठीक है, तो 10 रुपये का पूरा वो क्या कहते हैं ना पंडित सी बना के देता था, तो अब ये 10 रुपये का, उसने ये भी बल्कि कह रहा है यार 10 का क्या
मिलेगा। मैं कहा यार मिलेगा तो कुछ, मुझे चाहिए छोटा सा परिंदों के लिए, मैंने बकरी के लिए नहीं लेना है, मतलब कि जानवरों के लिए, मैंने परिंदों के लिए लेना है, आप मुझे वो थोड़ा सा दे दें। तो उसने फिर ये इतना सा दे दिया, उसमें से उन्होंने थोड़ा ज़्यादा कर रहा था। मैं कहा नहीं यार मुझे थोड़ा दे दे, क्योंकि ज़्यादा जाएगा बेहतर है, उतना इस्तेमाल करो जितना इस्तेमाल हो जाए, बाकी ज़्यादा जाएगा। तो उसे मैंने ये ज़रा सा ले लिया, ठीक हो गया। तो मैं ये अब डाल लूँगा, ठीक है। अब ये वैसे ना इनके लिए इतना सा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये आ गया जी लवबर्ड की तरफ, अच्छा माशाल्लाह से। अब इसमें ना जा रही है फीमेल, ठीक है ना। अब अल्लाह खैर करे, अब इसके अंदर आई या पता नहीं फुर होगी, मतलब चेक करूँगा। लोशन डाल दिया तो ये है कि ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। ये तो टूट पड़े हैं खाने के लिए, ठीक है ना। लोशन अच्छा, अब रह गया फिंच के लिए, फिंच और जावा। अच्छा इनके लिए मैंने थोड़ा सा करना है मशक्कत, थोड़ी सी ना मेहनत करनी है इन्हें, इन्हें क्योंकि इस तरह डालना नहीं है, क्योंकि इस तरह खाएंगे नहीं। इन्हें मैंने थोड़ा सा ना क्रश करके दूंगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह क्रश करूँगा, ठीक हो गया। ये ली मैंने कैमरे की जगह पर रख दिया। तो ये लोशन है, इसका तरीकेकार ये है कि पहले इसकी मैं तोड़ूँगा पत्तियाँ, ठीक है। तो इस तरह ये खाएंगे नहीं, इसकी पत्तियाँ तोड़ूँगा। पहले भी मैंने फिंचों को इस तरह देता था पत्तियाँ तोड़ तोड़ के, तो जैसे ये कि ये जल्दी खा लेंगे, ठीक है। बाकी डंडियाँ वगैरह ये अंदर गिर दूंगा, ये कि इनकी नेस्टिंग के लिए काम आ जाएंगी, ये नेस्टिंग के लिए ले जाएंगे अंदर। अच्छा ये ना लोशन थोड़ी सी ना ताज़ी नहीं है, मुझे लग रहा है कल की लोशन है, ठीक है। तो इसलिए फ्रेश फ्रेश नहीं लग रही है, ठीक है। अक्सर मैं लेके आता हूँ वो बिल्कुल ताज़ी फ्रेश, बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके, ठीक है ना। तो ये चलो ये बहुत होगी, ठीक है। ये मैं डाल दूँगा किसी और के लिए, ये मेरे लिए खास बहुत होगी। अच्छा इसका तरीकेकार ये है कि मेरे पास ये गरमाला सा पड़ा है, ठीक है। इसे मैं जैसे वो करते नहीं सब्जी फ्रेश करते हैं, इसी तरीके से इसे करूँगा मैं। तो बिल्कुल ज़रा ज़रा हो जाएगा ना, फिर इनके लिए खाने के लिए आसानी हो जाएगी, आराम से खा लेंगे, ठीक है। तो मौसम भी ठीक है, क्योंकि ना दो दिन पहले अच्छी खासी बारिश हुई, मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, बेहतर हो गया मौसम, ठीक है ना। तो इस वजह से ना इंशाल्लाह आज से मैं इनका आज पतलू का पहला दिन है, मतलब कि इस सीज़न का पहली दिन है लोशन डालने का। तो अब से मैं अल्लाह खैर करे हफ्ते में दो से तीन मरतबा इन्हें लाज में ही लोशन डाला करूँगा, ठीक हो गया। नहीं जी ठीक हो गया, अभी मैं डालता हूँ उन्हें। फिलहाल ज़रा सा डाल रहा हूँ, बहुत है। ठीक है
हैं जी। मैंने डाला था लोशन तो ये अल्हम्दुलिल्लाह खाने के लिए आ गई है, ठीक हो गया। तो ठीक है दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे आपको। तो अपने भाई को इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, ठीक है।